24 के चुनाव में सब संभव है जी। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़कर के किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है, और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को भी मौका मिला है तो कौन क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौवा के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। पार्लियामेंट में तमाम ओपोजिशन पार्टियों ने जेपीसी की मांग की अडानी इशू पर, आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए जेपीसी कमेटी की? जो देखिए पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है कोई भी पार्टी तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे एमपी, जब कोई सरकार थी विरोध में हम लोग थे तब नहीं सुनता था, हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे, तो अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे तो उन्हें सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था श्रद्धेय अटल जी सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी, जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा,